हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 टिल क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कवर किया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। सो वीडियो पर एंड तक बने रहना आप मेरे साथ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर फाइव है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट लॉग 101 टू द बेस ई। ठीक है, गिवन दैट है। यहाँ पर देखो लॉग 10 टू द बेस ई का वैल्यू आपको दिया है 2.3026, ये वैल्यू आपको दिया है और आपको फाइंड आउट करना है लॉग 101 टू द बेस ई का वैल्यू। तो स्टार्ट करता हूँ, देखो मैं यहाँ से, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है लॉग 101 टू द बेस ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो 101 आई कैन राइट हियर, मैं इसको 100 प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से देखो आपको ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और एच का स्मॉल वैल्यू 1 मिल जाएगा आपको, राइट। अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन अज्यूम करेंगे, तो आई विल राइट हियर लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई। फंक्शन अज्यूम करते हैं हम लोग, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, रूल आपको मालूम ही है। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा आपका ये। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, आपको मालूम है लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आपको मालूम है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट एक्स इक्वल टू ए, दैट मीन्स 100, पुट एक्स इक्वल टू ए, ए का वैल्यू 100 है, पुट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू 100 इन इक्वेशन नंबर 1 और 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा, देखो आपको यहाँ पर एफ ऑफ ए, दैट मीन्स एफ ऑफ 100 एंड दिस इज इक्वल टू आएगा आपका लॉग ऑफ एक्स का वैल्यू 100 टू द बेस ई है। सो दिस आई कैन राइट लॉग 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये बेस ई, सो दिस आई कैन राइट 2 इंटू लॉग 10 टू द बेस ई। आई थिंक समझा रहेगा आपको ये लॉग ऑफ 10 का स्क्वायर, तो लॉग का प्रॉपर्टी है तो ये पावर आकर के लॉग से मल्टीप्लाइड हो जाता है। सो दिस इज 2 इंटू लॉग 10 टू द बेस ई, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 2 इंटू लॉग 10 टू द बेस ई। आपको क्वेश्चन में दिया है, देखो लॉग 10 टू द बेस ई का वैल्यू दिया है 2.3026, तो आई विल राइट हियर 2.3026। सो देखते हैं कितना था मल्टीप्लाई करके, ये तो आपको f ऑफ a का वैल्यू मिल जाएगा 4.6052 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग f डैश a फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो f डैश ऑफ a, इसका मीनिंग क्या हो गया, f डैश ऑफ 100 एंड दिस इज इक्वल टू f डैश ऑफ x क्या दिया है 1/x, तो ये हो जाएगा आपका 1/x का वैल्यू यहाँ पे 100। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 0. आपको मिल जाएगा 0.01, सो दिस इज योर f डैश ऑफ a। नाउ बाई यूजिंग द फार्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, फार्मूला आपको मालूम है एफ ऑफ ए प्लस एच, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इन टू एफ डैश ऑफ ए। ये फार्मूला आपको मालूम है, ये आपका अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला हो गया, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के अपने को आंसर मिलते जाएगा। सो ये हो जाएगा देखो आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए, हम लोगों ने फाइंड आउट किया है एफ ऑफ ए का वैल्यू है 4.6052, सो आई विल राइट हियर 4.60, ये हो गया आपका 52 प्लस एच। देखो यहाँ पर दिया आपको स्टार्टिंग में हमने फाइंड आउट किया है एच का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1 मल्टीप्लाइड में एफ डैश ए, एफ डैश ए देखो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है 1/100, तो आई विल राइट हियर 1/100। अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 4.6052 प्लस 1/100, 1/100 का वैल्यू आपको मालूम है 1/100 का वैल्यू होता है 0.01, तो इसको ऐड कर देंगे तो अपने को फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.6152, तो आपका देखो सम सॉल्व हो गया। एंड व्हाट इज एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच आपका गिवन क्वेश्चन है, दैट मीन्स लॉग 101 टू द बेस ई, तो आपको फाइनल आंसर मिल गया लॉग 101 टू द बेस ई का वैल्यू हो गया 4.6152, तो आपका सम सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 का देखो, यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ लॉग 9.09 टू द बेस ई गिवन दैट लॉग 3 इक्वल टू 1.0986 दिया है। तो आपको लॉग 9.019 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया है, लॉग ऑफ 9.019 टू द बेस ई, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो 9.01 इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, 9.01 आई कैन राइट दिस एज ए 9 प्लस 0.01 भी लिख सकते हैं हम लोग, सेम थिंग है, 9 प्लस 0.01, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखो ए का वैल्यू कितना मिल गया, ए इक्वल टू हो गया 9 और h का स्मॉल वैल्यू 0.01 हो गया। आफ्टर दैट अभी हम लोग फंक्शन एज्यूम करेंगे, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लेट f ऑफ x इक्वल टू लॉग x, एज्यूम करना पड़ेगा बेस e रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अभी इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आई विल राइट यर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका f डैश ऑफ x इक्वल टू log x का डेरिवेटिव मालूम है अपने को, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब जस्ट आपको क्या करना है, x का वैल्यू a दैट मीन्स 9 इक्वेशन 1 एंड 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। सो आई विल राइट हियर, यहाँ पर लिखूंगा मैं पुट x इक्वल टू a दैट इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हाँ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पर f ऑफ a, या इसको बोलेंगे हम लोग f ऑफ 9 इक्वल टू log, दिस विल बी log, और x का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 9 लेना है टू द बेस e। log 9 का वैल्यू आपको मालूम है, log 9 आई कैन राइट log ऑफ 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ दिस पे। सो मैंने log 9 टू द बेस e को लिख दिया log 3 स्क्वायर टू द बेस e, दिस इज इक्वल टू यूजिंग द रूल ऑफ logarithm, ये 2 log से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सो 2 इंटू log 3 टू द बेस e आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू log 3 टू द बेस e का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, log 3 का वैल्यू दिया 1.0986, तो आई विल राइट हियर 1.0986, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, देखते हैं कितना आता है आपको f ऑफ a का वैल्यू। सो 2 इंटू 1.0986 मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 2 6 12, 2 8 16 16, और ये हो जाएगा आपका 17, 2 9 18, और ये 19 हो जाएगा, 20, तो दिस इज 1 एंड दिस 2 1 2, तो f ऑफ a का वैल्यू कितना मिल रहा है, 2.1972 मिल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे f डैश ऑफ a, तो x का वैल्यू a दैट मीन्स 9 इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो f ऑफ a दैट मीन्स f ऑफ a डैश, हाँ f डैश a इक्वल टू f डैश 9, दिस इज इक्वल टू, तो x का वैल्यू 9 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे आप इक्वेशन 2 में, तो ये हो जाएगा आपका 1/9, आपको 1/9 मिल गया। नाउ बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ अप्रोक्सीमेशन, फार्मूला आपको मालूम है f ऑफ a प्लस h अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है, फार्मूला है f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a, ये फार्मूला है। f ऑफ a प्लस h मीन्स गिवन क्वेश्चन आपका, तो गिवन क्वेश्चन क्या है, log 9.09 टू द बेस e, सो ये हो जाएगा log 9.01 टू द बेस e, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, f ऑफ a का वैल्यू है यहाँ पर 2.1972 प्लस व्हाट इज h, h देखो यहाँ पर निकाला हम लोगों ने 0.01, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.01 मल्टीप्लाइड बाय f डैश a, हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, ये मिला आपको 1/9, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये हो जाएगा 2.1972 प्लस 0.01 डिवाइड बाय 9, सी ठीक है, 0.01 डिवाइड बाय 9, ये सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, 0.01 को 9 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आता है आपको 0.0011, डिवाइड करके चेक कर सकते हो आप। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आएगा ये 2. दिस इज 19 और ये हो जाएगा आपका 8 एंड दिस इज 3, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग 9.01 टू द बेस ई, आपका सम देखो सॉल्व हो गया दिस। देखो क्वेश्चन में 5th का 3rd सब क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 1016 टू द बेस 10 गिवन दैट लॉग ई टू द बेस 10 का वैल्यू आपको 0.4343 दिया हुआ है।
1016 है, तो 1016 को मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा। 1016 आई कैन राइट हियर 1000 प्लस, हम लोग यहाँ पर 16 भी लिख सकते हैं, सेम थिंग है, 1000 प्लस 16 तो हो जाएगा 1016 दिस वन। तो यहाँ से देखो आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 1000 और यहाँ से एच का वैल्यू कितना आएगा स्मॉल 16 हो जाएगा। देयरफोर अभी आपको फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा, सो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, देखो यहाँ पर बेस 10 दिया है, यहाँ पर आपको बेस 10 दिया है तो अपने को यहाँ पर बेस 10 लेना पड़ेगा। तो f ऑफ x इक्वल टू लॉग x टू द बेस 10, आपको ये फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा। सो दिस आई विल राइट एज अ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, सो अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। f ऑफ x इक्वल टू, बिकॉज देखो यहाँ पे लॉग x टू द बेस 10 है, तो यहाँ पे जो नेचुरल बेस e दिया नहीं है उसके प्लेस पे 10 दिया है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कभी पॉसिबल है लॉग का, जब आपका बेस में e रहेगा, दैट मीन्स नेचुरल बेस रहेगा, बट यहाँ पर बेस 10 है तो डायरेक्टली वी कैन नॉट डिफरेंशिएट। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई मीन्स हम लोग यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करेंगे। तो ये देखो हो जाएगा आपका लॉग एक्स अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा लॉग 10, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है। दिस हम लोगों ने यहाँ पे ये लॉ यूज़ किया है, log a टू द बेस b इक्वल टू क्या होता है log a अपॉन log b, ये मेथड हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। ये मेथड देखो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, सिंस log a टू द बेस b इक्वल टू log a अपॉन log b, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। तो ये हो गया आपका f ऑफ x, ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे f डैश x, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x इक्वल टू 1 बाई log 10, ये आपका कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, और log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1 अपॉन x होता है, सो दिस आई विल राइट एज अ इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा ये। अब जस्ट क्या करना है आपको, x के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में क्या पुट करोगे आप, 1000 पुट करोगे, दैट मीन्स a का वैल्यू। सो आई विल राइट हियर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पुट x इक्वल टू a इक्वल्स टू 1000 ना, इन बोथ द इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। सो देखते हैं हम लोग, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 f of a मीन्स हो गया आपका f of 1000, दिस इज इक्वल टू, तो x का वैल्यू 1000 पुट कर दो यहाँ पे, सो दिस विल बी योर log of 1000 और यहाँ पर टू द बेस 10 दिया है, सो दिस इज इक्वल टू log of 1000 है, सो दिस आई कैन राइट log of 10^3 टू द बेस लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज 10^3 मीन्स 10 × 10 × 10 आपको 1000 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी 3 यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सो 3 log 10 टू द बेस 10, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा देखो आपका यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा ये, दिस इज 3 × log 10 टू द बेस 10 का वैल्यू आपको मालूम है, log 10 टू द बेस 10 1 होता है बाई प्रॉपर्टी ऑफ log, ये हो जाएगा 1। सो f ऑफ a का वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया आपको। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे f डैश ऑफ a, सो f डैश ऑफ a का मीनिंग हो गया f डैश ऑफ a का वैल्यू कितना लिया हमने, 1000 लिया हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो x का वैल्यू 1000 आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे, सो दिस इज 1 अपॉन यहाँ पर log 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1000, ठीक है, दिस वे। तो सिंप्लीफाई करता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, नाउ सी यहाँ पर क्या दिया आपको, देखो 1 अपॉन log 10 दिया है, तो 1 अपॉन log 10 है, तो log 10 है तो यहाँ पे बेस आपका ई रहेगा, सो 1 अपॉन log 10 टू द बेस ई दिया हुआ है, तो इसको मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा यहाँ पर log का चेंज ऑफ बेस log, तो ये हो जाएगा आपका log ई टू द बेस 10 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1000, तो 1 अपॉन 1000 आई विल राइट हियर एज अ 1 अपॉन 1000 लिख देता हूँ मैं, आई थिंक आपको समझा रहेगा। log e टू द बेस 10 कैसे आ गया, 1 अपॉन log 10 टू द बेस e है, तो जब भी हम लोग ये 10 और ये e इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये आपका न्यूमरेटर में जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द बाय चेंज ऑफ बेस लॉ। सो बाय चेंज ऑफ बेस लॉ 1 अपॉन log 10 टू द बेस e हो जाएगा, log e टू द बेस 10 हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया है log e टू द बेस 10 का वैल्यू आपको दिया है 0.4343, तो आई विल राइट हियर 0.4343
और ये मल्टीप्लाइड बाई कितना दिया है 1/1000, तो मैं इसको एज इट इज़ लिखता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू हो गया ये। अब हम लोग अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला देखो आपको मालूम है, सिंस एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला है आपका एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, ये फार्मूला है। वैल्यूज़ हमने सब फाइंड आउट किया है, एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना निकाला आपने 3, तो आई विल राइट हियर 3 प्लस एच का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर एच का वैल्यू है 16, तो ये हो जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज़ एफ डैश ए, एफ डैश ऑफ ए हमने यहाँ पर निकाला है दैट मीन 0.4343 और आपका यहाँ पर डिवाइड बाय 1000 है, ठीक है। सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस, देखो हम लोग क्या करेंगे 16 इंटू 0.4343 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 6.9488 मिलेगा और आपका देखो ये डिवाइड बाय 1000, तो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा 6.9488 है, उसको 1000 से डिवाइड करना है, तो ये जाएगा आपका 0.00, दिस इज 69488 हो जाएगा। सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.00 69488, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। दैट मीन्स log 1016 टू द बेस 10 का वैल्यू कितना आ गया 3.00 69488, आपका सम सॉल्व हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया है x³ - 3x + 5 एट x इक्वल टू 1.99, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1.99 लिखना है, अगर आप डायरेक्ट x का वैल्यू 1.99 सब्स्टिट्यूट करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो, तो हम लोग यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो आपका x का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर x इक्वल दिया है आपको 1.99 दिया है, 1.99 आई कैन राइट 2 - 0, मैं यहाँ पर देखो 01 लिख सकता हूँ, सेम थिंग है, बिकॉज सी 2 में से हम लोग क्या करेंगे 0.01 को माइनस करेंगे तो आपको 1.99 ही मिलेगा यहाँ पर। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, a का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 और h का स्मॉल वैल्यू दैट मीन्स -0.01 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना ईजी है, ठीक है। तो आपको f of x दिया हुआ है, सिंस f of x कितना दिया है, देखो यहाँ पर f of x is x³ - 3x + 5 है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका f डैश ऑफ x इक्वल टू x³ का डेरिवेटिव आपको मालूम है ये होता है 3x² - 3x का डेरिवेटिव तो 3 आएगा प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो दिस यू कीप एज अ इक्वेशन नंबर 2। अब आपको मालूम है क्या करना है, x का वैल्यू a दैट मीन्स 2 आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू a दैट इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, हाँ इक्वेशन 1 और 2 बोथ में सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा आपका देखो f ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x का वैल्यू 2 पुट कर दो तो 2 - 3 - 3 × 2 + 5, देखते क्या आता है, 2 - 3 8 हो जाएगा, 8 और 3 × 2 = 6, 8 - 6 2 आएगा, 2 + 5 आपका 7 हो जाएगा, ये अपने को f ऑफ a मिला है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे f डैश ऑफ a, तो विल राइट हियर f डैश ऑफ a दैट मीन्स हो गया ये आपका f डैश ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू, तो इक्वेशन नंबर 2 में आपको x के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा आपका देखो 3 × 2² और ये -3 है, तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 2² = 4, 4 × 3 = 12, 12 - 3 किया तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ a हो गया। नाउ बाई यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, तो फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं अप्रॉक्सीमेशन का, सिंस f ऑफ a प्लस एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ a, ये फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेशन का है। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, वॉट इज f ऑफ a, f ऑफ a देखिए हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया 7, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 7 प्लस वॉट इज h, h कितना दिया देखो आपको यहाँ पे -0.01, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -0.01, ठीक है, इंटू h, h कितना है देख, सॉरी h हो गया,
इंटू एफ डैश ए, एफ डैश ए हमने यहाँ पर 9 फाइंड आउट किया है, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वेलेंट टू 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.01 इंटू 9 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 0.09, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7 माइनस 0.09 करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, ये 7 माइनस 0.09 करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 6.91, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा, ठीक है। सो देयर फोर क्वेश्चन क्या था, इसका वैल्यू, हाँ देयर फोर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना मिला आपको, आंसर लिखेंगे देयर फोर एफ ऑफ 1.99 दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.91, देखो आपका सम सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 10 एट एक्स इक्वल टू 1.12, अपने को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग, आपको x का वैल्यू कितना दिया है 1.12, तो मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट करता हूँ, सो दिस आई कैन राइट 1 + 0.12 लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से जो आपका a का वैल्यू रहेगा वो 1 हो जाएगा, h का स्मॉल वैल्यू रहता है दैट मीन 0.12 आएगा। पहले हम लोग f ऑफ a फाइंड आउट करेंगे, तो आई विल राइट हियर f ऑफ, सॉरी नाउ सी आपको f ऑफ x दिया हुआ है, तो सिंस f ऑफ x इक्वल टू कितना दिया है, देखो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस दिस इज 5x² माइनस 7x प्लस 10, ये आपका f ऑफ x है, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, हाँ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका f डैश ऑफ x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, आपको मालूम है ये होता है 3x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5x² इज 10x माइनस 7x का 7 हो जाएगा और प्लस 10 का तो 0 होता है डेरिवेटिव, सो दिस आई विल कीप एज अ इक्वेशन नंबर 2 लिख दूंगा मैं, ठीक है। अभी हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, नाउ पुट x इक्वल टू a दैट मीन्स 1 इन बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, सो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू a दैट इज 1 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता आंसर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा f ऑफ a दैट मीन्स f ऑफ 1 का वैल्यू, हाँ पुट x इक्वल टू 1 तो ये जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 इंटू 1, और यहाँ पर देखो प्लस 10 दिया है तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये जाएगा आपका 1 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 10, सो दिस इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 5 प्लस 1 6, 10 प्लस 6 16, 16 माइनस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो f ऑफ a का वैल्यू 9 हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू 1 इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो देयरफॉर आपको मिलेगा f डैश ऑफ a दैट मीन्स f डैश ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा दिस इज 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 माइनस 7, सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 10 माइनस 7, देखते क्या आता है, 10 प्लस 3 आएगा 13, 13 माइनस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है, तो ये हो गया आपका f डैश ऑफ a, ये हो गया आपका 6। अभी हम लोग नाउ वी विल यूज़ द फार्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, तो सिंस फार्मूला आपको मालूम है f ऑफ a प्लस h दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a, ये फार्मूला है, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, व्हाट इज f ऑफ a, f ऑफ a का वैल्यू आपको 9 दिया है प्लस h कितना निकाला है हमने, h का वैल्यू देखो यहाँ पर है 0.12, तो मैं लिख दूंगा 0.12 मल्टीप्लाइड बाय, व्हाट इज f डैश a, f डैश a का वैल्यू हमने यहाँ पर 6 निकाला हुआ है, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9 प्लस 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, ये 0.72 मिल जाएगा, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9 प्लस 0.72, तो फाइनल आंसर आपको आएगा 9.72, ठीक है, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया f ऑफ 1.12 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया 9.72।
आपका सम देखो सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ऑटोमेटिक आपको आंसर आते जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 2.2 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।